राम राम सभी को। आई हैव एक्सप्लेन द एक्सरसाइज 99 एंड एक्सरसाइज 100 ऑफ द लेसन मीडियल सेमी सर्कल डब्ल्यू इन माय लास्ट वीडियो। दोज हु हैव नॉट सीन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक्सरसाइज 101 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इन दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 102, बहुत ही इजी तरीके से ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 102 से पहले हम इस शॉर्ट में इसकी रिविजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मीडियल सेमी सर्कल डब्ल्यू, मीडियल मतलब मिडल, मिड में, वर्ड के मिड में हम सेमी सर्कल डब्ल्यू, सेमी सर्कल यानी इस तरीके से या फिर इस तरीके से हम बनाएंगे। एक्सरसाइज 102 को स्टार्ट करने से पहले एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। हम डब्ल्यू जिसे हम वे कहते हैं, इसके लिए हम इस तरह स्ट्रोक बनाते हैं। हमने और सीखा था कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये वे की साउंड वर्ड के इनिशियल में होगी और इसके बाद के गे एम आर की साउंड होगी। जैसे वर्ड था वेक, तो हमने वे को रिप्रेजेंट किया था, दिस इज वेक, लाइक दिस वेक। क्लियर है? अब हम समझेंगे वर्ड के मिड में। वर्ड के मिड में अगर साउंड वे की होगी और उसके बाद डॉट वोवल साउंड होगी, ध्यान से देखिए, लेफ्ट सेमी सर्कल डब्ल्यू फॉलोड बाय अ डॉट वोवल। डॉट वोवल हमारे कौन से होते हैं, उन्हें हम समझते हैं इस तरीके से, पा मे वी डेट पेन इज, ये थिक डॉट होता है, ये लाइट डॉट होता है, इन्हीं वर्ड से हम समझते हैं डॉट वोवल साउंड्स। वर्ड एग्जांपल से समझाती हूँ। वर्ड है जैसे 12, टी के बाद व की साउंड आ रही है और उसके बाद हमारी ये 12 पेन वाली साउंड आ रही है, जो हमारा होता है डॉट वाला, डॉट वाली साउंड आ रही है। तो इन दोनों साउंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट सेमी सर्कल किस तरीके से, इस तरीके से बना के। ये देखिए हमारा हैंड, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट ये राइट, हैंड हमारा टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ जा रहा है, देखिए लेफ्ट, इसको कहेंगे लेफ्ट सेमी सर्कल। अब इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, ये हमारा सेकंड प्लेस होता है पेन वाला, तो हम स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पे लगाएंगे। 12 टी का स्ट्रोक बनाया, टी का स्ट्रोक बनाया, एल का स्ट्रोक बनाया, इसके लिए हमने व प्लस डॉट वोवल के लिए हमने एल से पहले सेकंड प्लेस पे इस तरीके से लेफ्ट सेमी सर्कल बना दिया और फिर वी का स्ट्रोक 12। क्लियर है? अब इसी का ही ऑपोजिट है राइट सेमी सर्कल डब्ल्यू फॉलोड बाय अ डैश वोवल। इसमें था कि वर्ड के मिड में साउंड आनी चाहिए व की और उसके बाद डॉट वोवल साउंड आनी चाहिए, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। अब वर्ड के मिड में साउंड होगी व की और उसके बाद डैश वोवल साउंड होगी, तो हम बनाएंगे इस तरीके से राइट सेमी सर्कल। देखिए हैंड हमारा राइट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोबारा बनाती हूं इस तरीके से, राइट सेमी सर्कल डब्ल्यू फॉलोड बाय अ डैश वोवल साउंड। डैश वोवल को हम समझते हैं ऑल गो टू, थिक डैश होता है, लाइट डैश होता है, नॉट मच गुड, ये तो सभी को ही पता है। वर्ड है लाइम वॉटर, देखिए व की साउंड है प्लस वॉटर, ओ वाली साउंड आ रही है, डैश वाली आ रही है, ठीक है, आउटलाइन बनाती हूँ, लाइम वॉटर, देखिए लाइम, एल का स्ट्रोक, डिप्थंग साउंड आई, एम का स्ट्रोक, वॉटर, इसके लिए ओ डैश वाली आई है, तो हम टीज की फर्स्ट प्लेस पे ही हमारा फर्स्ट प्लेस वाला होता है, हमने इस तरीके से साइन बनाया। टी के इनिशियल में आरहुक बनाया, टी की फर्स्ट प्लेस पे हमने व और डैश साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने राइट सेमी सर्कल बनाया, लाइम वॉटर। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 102। डियर सर्स, डियर इस तरह बनाते हैं हम और सर्स इस तरह लिखते हैं, सर्स इसी तरह बनाते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए इस तरह से साइन आ गया। वी थैंक यू एक साथ बनाते हैं, वी इस तरीके से, थैंक यू फॉर योर लेटर, आउटलाइन एक साथ बनाएंगे, फॉर हम इस तरीके से होता है, योर हमारा इस तरीके से, लेटर हम एल स्ट्रोक को डबल करते हैं टर के लिए, अब इनको एक साथ करना है, फॉर योर लेटर, एल के बाद यहां ये पेन वाला वोवल, फॉर योर लेटर। ऑफ लास्ट, ऑफ लास्ट एक साथ बनाती हूं, ऑफ लास्ट,
ऑफ लास्ट वीक। व साउंड से के बाद इनिशियल में है के की साउंड है, हम एब्रीविएटेड फॉर्म में बनाएंगे व और के का स्ट्रोक, उससे पहले वी वाला वॉवल। एंड वी आर एक साथ बनाएंगे, वी आर एस्किंग, एस से पहले एट वाला वॉवल, के का स्ट्रोक इंग वाला वॉवल। सभी को ही ये पता है इसलिए मैं क्विकली एक्सप्लेन कर रही हूं। वर्ड है मेसर्स, देखिए मेसर्स, एम का स्ट्रोक पेन वाला वॉवल, सर्कल एस, डाउनवर्ड आर, सर्कल एस, टू शॉर्ट लाइन कैपिटल लेटर के लिए। क्रॉमवेल, देखिए क्रॉमवेल, के इनिशियल में आर हुक बनाया हमने, नॉट वाला वॉवल, एम का स्ट्रोक, वेल। अब यहां देखिए व की साउंड है, उसके बाद हमारी डॉट वाली साउंड है, डॉट वाली है, हम डॉट वाली है तो हम लेफ्ट सेमी सर्कल बनाएंगे एल की सेकंड प्लेस पे, क्योंकि ये हमारा सेकंड प्लेस वाला होता है। क्रॉमवेल, टू शॉर्ट लाइंस, एंड वॉर बैक, एंड वॉर बैक, वॉर होता है तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, डब्ल्यू को करके इस तरीके से एब्रीविएटेड फॉर्म में। ये हमने पहले बहुत पहले सीखा था इनिशियल के चैप्टर्स में और डाउनवर्ड आर, लेकिन वर्ड है वॉर बैक, इसमें हम आर को अपवर्ड बनाएंगे रे, वॉर बैक, इजियर आउटलाइन के लिए। वॉर बैक, वॉर बैक, इस तरीके से व फिर ऑल वाला वॉवल, अपवर्ड आर, बी का स्ट्रोक, पेन वाला वॉवल, के का स्ट्रोक, इजियर आउटलाइन के लिए। ऑफ वेंटवर्थ, वेंटवर्थ देखिए वे स्ट्रोक को हाफ करेंगे टी के लिए और उसके फाइनल में एन हुक आएगा, वेंट वर्थ, वेंट वे को स्ट्रोक को हाफ किया हमने टी के लिए, एन का हुक बनाया, व के बाद वे के बाद पेन वाला वॉवल, वर्थ इधर, वर्थ वो वे की साउंड है, उसके बाद हमारी वर्थ मच वाली साउंड है जो हमारा डैश वाला होता है, तो हमारा कौन सा बनेगा राइट सेमी सर्कल, राइट सेमी सर्कल, क्योंकि डैश वाली साउंड आ रही है व के बाद, राइट इधर की तरफ हाथ चलाना है वे के सेकंड प्लेस पे, क्योंकि हमारा सेकंड प्लेस वाला होता है वर्थ मच वाली जो है, और ये इथ का स्ट्रोक, वेंट वर्थ कॉमा टू लुक, टू लुक, टू लुक इनटू द मैटर, एक साथ बनाए इनटू द, एक साथ लिखते हैं इनटू द मैटर, मैटर एम का स्ट्रोक, एट वाला वॉवर्ड डबल किया टर साउंड के लिए। फोर्थ विथ, देखिए फोर्थ एफ, फोर्थ विद, फोर्थ विद, फोर्थ लिखा इतना तो क्लियर है, विद वे की साउंड और प्लस डॉट वाली साउंड आ गई, लेफ्ट सेमी सर्कल थर्ड प्लेस पे, क्योंकि डॉट ये वाला इज वाला जो हमारा थर्ड प्लेस वाला होता है इथ, इथ की थर्ड प्लेस पे, फोर्थ विद। मैं आउटलाइंस मार्कर से बना रही हूं इसलिए सेम लग रहा है, आप लाइट आउटलाइंस को लाइट बनाएंगे और डार्क आउटलाइंस को डार्क बनाएंगे। फोर्थ विथ, वी होप, वी होप डैट द, एक साथ बनाएंगे फ्लो, फ्लो ऑफ वॉटर, देखिए ऑफ वॉटर, ऑफ वॉटर, वे का स्ट्रोक, ऑल वाला वॉवल, टी के इनिशियल में आर हुक, इनटू द, इनटू द वर्किंग्स, वर्किंग्स, वे को एब्रीविएटेड फॉर्म में बनाया, डाउनवर्ड आर, उससे पहले मच वाला वॉवल, के का स्ट्रोक, इंक का स्ट्रोक, इंक का स्ट्रोक और फाइनल में सर्कल एस, मे ड्विंडल, ड्विंडल, डी का स्ट्रोक, इसके लिए वे की साउंड है और उसके बाद इस वाली साउंड है, डॉट वाला होता है, लेफ्ट सेमी सर्कल बनाएंगे एन से, एन की थर्ड प्लेस पे और यहां डी के इनिशियल में एल हुक बनाया। अवे, अवे विद द एडवेंट, देखिए एडवेंट, एडवेंट, डी से पहले एट वाला वॉवल, बी के लिए हुक बनाया, एन को हाफ किया टी के लिए, एन की सेकेंड प्लेस पे ऊपर की साइड हमने यहां ये डॉट वाला वॉवल लगाया। ऑफ द ड्राई वेदर, वेदर, वेदर कॉमा एंड डैट द, मैं इधर कंटिन्यू करती हूं, एंड डैट द, एंड डैट द ट्रबल, ट्रबल, टी के इनिशियल में आर हुक, मच वाला वॉवल, बी के इनिशियल में एल हुक, मे सीज, सीज,
एस का स्ट्रोक बनाया, फाइनल में सर्कल एस और एस के बाद वी वाला वॉवल, ऑफ इटसेल्फ फुल स्टॉप इन एनी केस, एक साथ बनाएंगे देखिए, इन एनी केस कॉमा यू मे रिलाय अपॉन अस, एक साथ बनाएंगे अपॉन अस क्लियर है। नेक्स्ट पेज टू डू, एक साथ बनाएंगे टू डू ऑल दैट वी कैन, एक साथ बनाएंगे ऑल इस तरीके से ऑल दैट वी कैन, इसी तरीके से ऑल दैट वी कैन टू स्टॉप द स्टॉप, एस टी का लूप बनाया, पी का स्ट्रोक, उससे पहले नॉट वाला वॉवल, द न्यूसेंस, देखिए न्यूसेंस, एन का स्ट्रोक, डिप्थोंग साउंड यू लगाया, सर्कल एस बनाया, एन का स्ट्रोक और फाइनल में एनएस के साउंड के लिए इस तरीके से एन का स्ट्रोक और फाइनल में सर्कल एस, न्यूसेंस, एन से पहले जो एट वाला वॉवल है न्यूसेंस, इन क्वेश्चन फुल स्टॉप, ध्यान से देखिए, इन बनाया, के किस इनिशियल में यहां पे वर्की साउंड है, क्वेश्चन, हमने कंपाउंड कॉन्सोनेंट वाले चैप्टर में समझा था, हम के इनिशियल में लार्ज हुक बनाते हैं तो इसका मतलब के बाद पहले या के बाद वर्की साउंड है, फिर पेन वाला वॉवल, सर्कल एस बनाया, टी का स्ट्रोक, इसके बाद यहां क्वेश्चन, ई दो साउंड है वॉवल, क्वेश्चन दो वॉवल साउंड है, अलग अलग पता चल रही है, हमने डायफोन वाले में सीखा था क्वेश्चन, डॉट वाली साउंड आ रही है, पहले हमें देखनी है कौन सी वाली है, डॉट वाली साउंड है क्वेश्चन, हमने इस तरीके से साइन बना दिया, दो वॉवल साउंड अलग अलग पता चल रही है टी के बाद और फाइनल में एन हो, क्वेश्चन फुल स्टॉप, वी हैव एक साथ वी ऑलरेडी टोल्ड, इस तरह बनाते हैं लोगोग्राम, आवर इंजीनियर, देखिए इंजीनियर कॉमा एन का स्ट्रोक, पेन वाला वॉवल, जे का स्ट्रोक, एन के इनिशियल में आर हुक बनाया, एन से पहले इस वाला वॉवल लगाया और एन के इनिशियल में आर हुक बनाया है, इनके बीच में वी वाली साउंड है, उसको स्मॉल वाली सर्कल से हमने रिप्रेजेंट किया, मिस्टर एम के इनिशियल में आर हुक, वॉल्टर, देखिए हम जब हमने कंपाउंड कॉन्सोनेंट में सीखा था एल के अगर इनिशियल में हम स्मॉल हुक बनाते हैं तो वो साउंड देता है व की, उसके बाद ऑल वाला वॉवल और एल को हमने डबल किया साउंड टर के लिए, वॉल्टर, वेल्सन, वे के एल के इनिशियल में हमने ये स्मॉल हुक बनाया है, साउंड व की दे रहा है, एल से पहले पेन वाला वॉवल, सर्कल एस, एन का स्ट्रोक, उससे पहले मच वाला वॉवल, टू शॉर्ट लाइन कैपिटल लेटर के लिए, टू मेक क्लोज एनक्वायरी, देखिए एन का स्ट्रोक, पेन वाला वॉवल, इधर भी के साथ व की साउंड आ रही है, हमने क के इनिशियल में लाल छोक बनाया साउंड व के लिए, उसके बाद डिप्थोंग साउंड आई, रे का स्ट्रोक और इस वाला वॉवल, इनटू द मैटर, एम को डबल किया टर के लिए, एम के बाद एट वाला वॉवल, एंड वी थैंक यू, एक साथ बनाएंगे एंड वी थैंक यू अगेन फॉर द काइंडली, के स्ट्रोक को हाफ किया डी के लिए, फाइनल में एन हुक बनाया, के बाद डिप्थोंग साउंड आई, एल का स्ट्रोक और ये इस वाला वॉवल, वे इन विच यू, एक साथ बनाते हैं देखो, इन विच यू हैव वॉन्ट, ध्यान से देखिए, वॉर होता तो हम इस तरीके से बनाते हैं वॉर, अब वर्ड है वॉन्ट है, हम आर को हाफ करेंगे डी के लिए और आर के फाइनल में एन हुक बनाएंगे, वॉन्ट, वे को एब्रीविएटेड यूज किया, डाउनवर्ड आर बनाया, हाफ किया डी के लिए, उसके बाद एन हुक बनाया, उससे आर से पहले ऑल वाला वॉवल, अस ऑफ द पॉसिबल, ये तो क्लियर है, लॉस बोथ
टू आर सेल्स, एक साथ बनाएंगे, टू इस तरीके से बनाते हैं, आर सेल्स एंड टू यू फुल स्टॉप. योर्स ट्रूली, मैं यही लिखती हूं, योर्स ट्रूली कॉमा. क्लियर है? चैप्टर 26 हमारा कंप्लीट हो गया है. चैप्टर 27, 28 और 29 पर मैं वीडियोस बना चुकी हूं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस. जय सरस्वती माँ.